हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत केस में सामने आए ड्रग एंगल में दीपिका पादुकोण भी फंस चुकी हैं। एनसीबी के समन जारी करने के बाद एक्ट्रेस गुरुवार को गोवा से मुंबई पहुंची हैं। खबरों के मुताबिक दीपिका को आज एनसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन दीपिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वो शनिवार को एनसीबी के सवालों का जवाब देने पेश होंगी। इसी बीच दीपिका के पति रणवीर सिंह की एक अर्जी भी सामने आई है, जिसके मुताबिक उन्होंने पूछताछ के दौरान दीपिका के साथ रहने की अनुमति मांगी है। दीपिका पादुकोण से एनसीबी की पूछताछ से पहले ही रणवीर सिंह ने अपनी अर्जी लगाते हुए कहा है कि दीपिका को कभी कभी घबराहट और पैनिक अटैक आते हैं, इसलिए उन्हें पत्नी के साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही रणवीर ने नियमों की गरिमा को बरकरार रखने की बात कहते हुए कहा है कि कानूनी नियमों को जानते हैं कि वो जांच के समय मौजूद नहीं रह सकते, लेकिन एनसीबी कार्यालय के अंदर आने तक की उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। रणवीर सिंह की इस अर्जी पर अब तक एनसीबी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि क्या रणवीर सिंह एनसीबी की पूछताछ में दीपिका के साथ रह पाएंगे या फिर दीपिका को अकेले ही एनसीबी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस केस में रकुलप्रीत सिंह का नाम भी सामने आया है, जिनसे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी है। साथ ही दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा से भी एनसीबी अपने सवाल पूछ रही है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।